हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की, और आज के दिन अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला, डिलीवरी वॉल्यूम भी अच्छा रहा। और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी अदानी टोटल गैस के अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, और टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भले ही प्राइस के अंदर जो है ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी खरीदारी हो रही है। क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी अच्छी खासी बाइंग हुई थी, डिलीवरी वॉल्यूम अच्छा था, तब भी हमने बात की थी, इस वीकेंड के ऊपर भी हम बात करेंगे, और आज भी यहाँ पर जो है अच्छा खासा जो है यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिला। आज का कारोबार को ज़रा देखें, 42 लाख के आसपास की उसका वॉल्यूम रहा, लेकिन उसमें से 64% से भी ज़्यादा की जो है डिलीवरी उठी। तो कोई ना कोई इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि खरीद रहा है, बेच भी रहा है और ख़रीद भी रहा है। तो यहाँ पर यह हो सकता है कि मतलब कि ऐसी कुछ बात भी हो सकती है जो हमें नहीं पता, आगे चलकर जो है मतलब कि कुछ एक अच्छा खासा एक्शन भी देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होने की संभावना रह सकती है, या फिर कुछ रिपोर्ट आ सकती है, हो सकता है। मतलब कि ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है कि जो कि हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर कल भी अगर देखेंगे तो दोपहर के बाद अच्छा खासा वॉल्यूम था, आज भी दोपहर के बाद अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला, और अभी प्राइस के अंदर बड़ी ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई, लेकिन ये भी हो सकता है कि आगे चलकर वो मूवमेंट एक साथ भी आ सकती है। अब पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर 840 के आसपास का सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि निचली लाइन वहाँ पर है। इस हफ्ते जो है बिल्कुल वहीं पर इसने सपोर्ट लिया, अब ये हल्की सी एक जो है यहाँ पर बाउंस बैक देने की कोशिश कर रहा है, और ये दो हफ्ते अगर देखें तो एक स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बनी थी, तेज़ी की संभावना लग रही थी, लेकिन यहाँ पर बाजार गिरा, उसका इफेक्ट थोड़ा सा इसके ऊपर पड़ा। तो अब यहाँ पर जो है ऐसा लग रहा है कि ये एटलीस्ट इसकी जो मिडिल लाइन है बुलिंजर बैंक की, वहाँ तक अगर ये जाता है तो अच्छा रह सकता है, लेकिन फिलहाल जो है अभी थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी इसकी जो मिडिल लाइन है वो है 890 के आसपास। एक चीज़ यहाँ पर एक और है कि ये अभी छोटी रेंज बनी हुई थी, ये हम आखिर में देखेंगे, अभी ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है। आज के दिन अगर देखें तो 880 के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस किया, और यहाँ पर भी अगर देखें MACD, हालांकि यहाँ पर इसने जो है एक बेरिश क्रॉसओवर दिया है, फिर भी वॉल्यूम यहाँ पर जो है वो अच्छा खासा है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आखिर में। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है ये बेरिश क्रॉसओवर है, अगर ज़्यादा गिरावट आती है फिर भी सपोर्ट जो है वो करीब दिख रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका RSI जो है वो अभी करीब दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा नीचे दिख रहा है। अभी यहाँ पर जो है पहले तो 21 दिन का मूविंग एवरेज देखें, तो ये लेवल अगर पार होता है तो अब इसके अंदर वापस से स्ट्रेंथ आ सकती है। RSI की बात करें तो 43 के आसपास है, तो अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती भी है तो 830 से 810 के आसपास जो है इसको अच्छा सपोर्ट भी मिल सकता है, वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी आ सकता है। और यहाँ पर ये लेवल आप देख सकते हैं, जैसे कि ये निचली पहले जो है रेंज बनी हुई थी 880 के आसपास, ये सपोर्ट ले रहा था 880-885 के आसपास, ऊपर में 920 से 940 के आसपास रेजिस्टेंट, तो अब उस लेवल को तोड़ा है। तो अब यहाँ पर फिलहाल जो है आज के दिन क्या हुआ, उस लेवल के आसपास इसने जो है रेजिस्टेंट फेस करने की कोशिश की, तो अगर ये लेवल वापस से इसके पार हो जाता है तो वापस से इस रेंज के अंदर आ सकता है। ये यहाँ पर जो जैसे कि हमने देखा वॉल्यूम को देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मतलब कि एक कोई बेच भी रहा है और कोई बाय भी खरीद भी रहा है। क्यों ये मतलब कि एक चीज़ जो है नोटेबल है कि इतनी ज़्यादा सेलिंग है इसके अंदर, मतलब कि किसी ने बेचे हो गए 27 लाख के आसपास के शेयर, तभी किसी ने बाइंग की है, लेकिन फिर भी क्यों ये नीचे नहीं आया, भले ही ये ऊपर नहीं गया लेकिन नीचे भी नहीं आया। अगर इतनी सेलिंग होती है नीचे 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 के, अगर ये मतलब कि ये लिमिट डालते रहते तो नीचे आ सकता था, लेकिन इतनी नीचे भी नहीं आया, यहाँ पर तुरंत ही जो है खरीदार आ जाते हैं, इतनी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है फिर भी। तो यहाँ पर इसी वजह से ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि मतलब कि एक अच्छी खासी मतलब कि कोई खरीदारी कर रहे हैं धीरे धीरे करके। यहाँ पर भी अगर देखें तो अच्छा खासा जो है डिलीवरी वॉल्यूम था, और यहाँ पर आज के दिन भी अच्छे खासी जो है यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम रहा, वो भी मतलब कि 100 शेयर अगर ट्रेडिंग होते हैं तो उसके अंदर 64% की तो डिलीवरी, उतने शेयर को जो है मतलब कि कोई डिलीवरी उठा लेता है। अब इसका डेटा हालांकि अभी कुछ बल्क डील और ब्लॉक डील तो नहीं आई, लेकिन जल्द भी उसका डेटा आ सकता है, या फिर आने वाले क्वार्टर की जो सेल होल्डिंग पैटर्न आएगी उसके अंदर जो है कुछ मतलब कि वो डेटा निकल के सामने आ सकता है, किनकी होल्डिंग घटी या बढ़ी उस तरीके से, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि कोई ना कोई अच्छी खरीदारी कर रहा है, सो कल वापस से हम चर्चा करेंगे। पहले तो जो है इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। कल की अगर ट्रेनिंग रेंज की बात करें तो नीचे में मुझे ऐसा लग रहा है कि 860 से ऊपर में 890 की एक ये रेंज रह सकती है। अभी थोड़ा सा दायरा छोटा हो गया है, लेकिन अब सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें टोटल, तो यहाँ पर जो है पहले 860, उसके बाद जो है 845, उसके नीचे तकरीबन जो है 825 से लेकर 810 का जोन, और उसके नीचे 800 रुपये का जोन। तो 800 रुपये जो है वो मुझे अच्छा ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जैसे कि हमने बात की 880 से 885 का लेवल, उसके बाद जो है तकरीबन 910 रुपये के आसपास का जोन, उसके ऊपर जो है तकरीबन 930 से लेकर 950 का जोन, तो ये इसके रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि अभी फिलहाल ये
अपने पी रेशियो के अपने पीयर्स के मुकाबले देखें तो इसका जो पी रेशियो के मुकाबले अगर देखें तो वो थोड़ा सा महंगा दिख रहा है। इसी वजह से अभी ये रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, तेज़ी भले ही नहीं आ रही है लेकिन इसके अंदर गिरावट भी नहीं आ रही है, तो ये बात भी यहाँ पर इसको एक न्यूट्रल कह सकते हैं थोड़ा सा। लेकिन आने वाले समय में इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है तो शेयर के अंदर भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। सो कल वापस से चर्चा करेंगे इसके ऊपर, डेली इसके ऊपर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं, तो इसके ऊपर अगर आपकी होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।